मेरे बारे में बताया कि मैं बचपन से ही इस अंबेडकर भवन पर आती रही। जब मैं सबसे पहली बार मैंने गीत सुनाया तो मैं 9 साल की थी और बहुत छोटी थी, थर्ड क्लास में पढ़ती थी, 8-9 साल की होंगी। और मेरे पिताजी श्री एसपी सिंह, जो आज इस दुनिया में नहीं है, इसका श्रेय उनको जाता है। और मेरी माताजी, जो कि आज भी यहाँ पर आई हुई हैं, एक श्रेय उनको जाता है। अभी इसी गीत की डिमांड के लिए जब भंडारी जी गए तो मैंने अपनी माताजी को बताया कि मम्मी, मेरे को अंबेडकर भवन पर जाना है, क्योंकि कितने ही साल हो गए मैं गई नहीं, मतलब ऐसे नहीं आती हूँ। 14 अप्रैल पे सुबह भी पार्लियामेंट जाती हूँ, शाम को भवन पे आती हूँ, जो प्रोग्राम होता है भवन पर आती हूँ, लेकिन मैंने गीत नहीं सुनाया है, काफ़ी दिन हो गए। मेरी मम्मी ने मुझे इतना उत्साहित किया, ये तो बहुत खुशी की बात है, नहीं मैं कहती हूँ तुझे अंबेडकर जाना है और मुझे भी बुला लेना। मेरी मम्मी अपने घर से अकेले आई और मैं अपने घर से आई, क्योंकि उनको मतलब मेरे फादर की बहुत याद और इन गीतों की। हम अंबेडकर भवन से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, बहुत ही मेरे फादर ने इस यहाँ के लिए काम किया, अंबेडकर भवन के लिए। मैं भी बचपन से आती रही और वो बसें ले लेकर यमुना पार से आया करते थे, पूरी बस भर के हमें, मतलब हमारा अगर अप्रैल के महीने में एग्ज़ाम भी होता था तब भी ये कहते थे बाबा साहब की कृपा रहेगी तो आप आगे बढ़ोगे, और वो बाबा साहब की मेहरबानी है कि आज मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ। और उन्हीं के शरण से, मतलब उन्हीं के आशीर्वाद से, वो कहते थे नहीं आज ही पढ़ाई नहीं करनी है, तुमने पूरे साल क्या किया, तुम्हें 14 अप्रैल पर अम्बेडकर भवन जाना है। 14 अप्रैल को अम्बेडकर पहले पार्लियामेंट जाना, शाम को यहाँ आना, और उसके बाद फिर अगले दिन 15 अप्रैल को पेपर होता था, रात को पढ़ते थे। कहते कोई बात नहीं, सब बाबा साहब की मेहरबानी है और आज उन्हीं का आशीर्वाद है, अच्छे पद पे हूँ, सब कुछ संपन्न है, सब बहुत बढ़िया है, बाबा साहब का ही आशीर्वाद है, भगवान बुद्ध का आशीर्वाद है, और ये बनते और ये सभी मंच पर बैठे हुए भाइयों बहनों सभी का आशीर्वाद है कि मैं बाबा साहब के गीत के लिए आज फिर मैं दोबारा से इस मंच पर आई हूँ। आवाज़ तो पता नहीं कैसी होगी, लेकिन फिर भी गलती हो तो क्षमा करना। Team Bandana.